सो ही गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आपका और एक गेमिंग न्यूज़ के फ्रेश एपिसोड में, जहां पे मैंने आपके लिए बहुत ही कमाल की गेमिंग न्यूज़। तो ये है पार्ट 82, सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसे ही गेमिंग रिलेटेड कॉन्टेंट देखने के लिए। तो बढ़ लेते हैं सबसे पहले न्यूज़ की तरफ। तो पहले न्यूज़ आ रही है फार्मिंग सिमुलेटर 22 गेम की तरफ से। तो जायंट सॉफ्टवेयर ने अनाउंस करते हुए कहा है कि फार्मिंग सिमुलेटर 22 जो गेम है वो रिलीज होने वाला है इन Q4 ऑफ 2021, और साथ ही साथ में गाइस गेम का एक टीजर भी रिलीज कर दिया है। तो फार्मिंग सिमुलेटर आपको एक सिमुलेटर गेम देखने को मिल जाएगा जिसमें कि आप फार्मिंग कर सकते हो वेरियस न्यू क्रॉप्स और न्यू मशीन्स की हेल्प से। तो बढ़ लेते अगले न्यूज़ की तरफ। तो अगली न्यूज़ निकल के आ रही है पबजी पीसी गेम की तरफ से। तो पबजी पीसी गेम के अंदर एक पैच अपडेट आ चुका है जो कि है पैच अपडेट 11.2, जिसमें कि आपको इरेंगल मैप जो है उसमें कुछ चेंजेस देखने को मिल जाता है, और एक न्यू सर्वाइवल पास भी आ चुकी है, और ड्राइव करते समय गन के रिकॉइल का बैलेंस एडजस्टमेंट का अपडेट भी आ चुका है एंड मेनी मोर। तो अगर गाइस आपको फुल पैच नोट्स पढ़ने होंगे तो आप गेम के ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना मत भूलिएगा। तो अगर आप पबजी पीसी गेम खेलते होगे तो आप इस अपडेट को डाउनलोड करना मत भूलिएगा। तो बढ़ लेते अगले न्यूज की तरफ। तो अगली न्यूज निकल के आ रही है इलाइट डेंजरस ओडिसी गेम की तरफ से। तो फ्रंटियर डेवलपर्स ने अनाउंस करते हुए कहा है कि इलाइट डेंजरस ओडिसी जो गेम है वो रिलीज होने वाला है ऑन मई 19 2021 में। तो इलाइट डेंजरस ओडिसी जो कि एक वन ऑफ द मोस्ट हाईली एंटीसिपेटिंग गेम है, वो साइमल्टेनियसली रिलीज होगा ऑन स्टीम, एपिक गेम स्टोर एंड फ्रंटियर स्टोर डॉट नेट के ऊपर। तो बढ़ लेते अगले न्यूज की तरफ। तो अगले न्यूज निकल के आ रही है विच फायर गेम की तरफ से। तो एस्ट्रोनॉट्स ने रिसेंटली रिलीज किए हैं कुछ न्यू स्क्रीनशॉट फॉर इट्स अपकमिंग गेम विच फायर। तो विच फायर गेम जो है वो अनाउंस हुआ था इन द ईयर 2017 में, और ये गेम कब रिलीज होगा अभी तक इसकी कोई भी आइडिया नहीं है। तो रिसेंटली गाइस इस गेम के कुछ स्क्रीनशॉट निकल के आ चुके हैं जिसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो, जिस पर से आपको अंदाजा या फिर आइडिया लग जाए कि आपको गेम के ग्राफिक्स कैसे देखने को मिल जाएंगे। तो बढ़ लेते कुछ मोबाइल गेमिंग न्यूज की तरफ। तो पहले न्यूज निकल के आ रही है पबजी मोबाइल गेम की तरफ से। तो पबजी मोबाइल के रिगार्डिंग डायनामो ने एक हिंट दिया है, जहां पर डायनामो ने डायरेक्टली तो नहीं बताया कि गेम कब रिलीज होगा, बट इनडायरेक्टली बताया है कि डबल डिजिट पर एक चीज आएगी एंड सिंगल डिजिट पर एक चीज। पबजी मोबाइल इंडिया कब आएगा ब्रो, प्लीज बता दो। हाँ, तो बेसिकली 32 नहीं, देखो मैंने गिन लिया, मैंने टोटल गिन लिया, तो इतने कुछ एक टारगेट पे, ठीक है। मतलब ये जैसे ये होता ना 1 2 3, ये जितने पे ना इसमें मैंने गिना एक, उस एक नंबर पे पहले एक चीज आएगी, ठीक है, फिर उसके बाद एग्जैक्टली उतने ही डबल नंबर पे फिर एक चीज आएगी, बस इससे ज्यादा नहीं बता सकता। तो इस पर गाइस आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। तो बढ़ लेते अगली न्यूज की तरफ। तो अगली न्यूज निकल के आ रही है सीको मोबाइल गेम की तरफ से। तो सीको मोबाइल आपको एक बैटल रॉयल गेम देखने को मिल जाता है जिसको डेवलप कर रहा है इंडिक अरिना स्टूडियो जो कि इंडिया बेस्ड स्टूडियो है, और इस गेम का जो फर्स्ट मैप है उसका एक टीजर निकल के आ चुका है जिसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलिएगा, और ऐसे ही गेमिंग न्यूज़ की सीरीज देखने के लिए या फिर गेमिंग रिलेटेड कंटेंट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। तो गाइस मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में।